अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं न्यू शाहीन मोबाइल चैनल। न्यू शाहीन मोबाइल चैनल की तरफ से आपको मैं दोस्तों खुश आमदेद कहता हूँ। दोस्तों हमारे पास UEFI का UFS प्रो है दोस्तों, टूल बॉक्स हम ओपन करते हैं, थोड़ा आपको डिटेल से बताऊँगा। न्यू GSM से चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर करें दोस्तों में। दोस्तों ये देखें हमारा UEFI बॉक्स जो है, उसका जो UFS प्रो उसको हमने ओपन किया है दोस्तों। ये देखें ये आपके सामने है दोस्तों। दोस्तों इसमें क्या है, ये जो Verify UFS, और दोस्तों इसमें अगर हमने ये यहाँ पर चेक लगाएंगे दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसके जो है, जैसे हम EMMC के दोस्तों ISP पे नोट लगा के दोस्तों जंपर करके सोल्डिंग करके, ये दोस्तों उसके जो है जंपर हैं, और साथ ही इसके सामने डिटेल दी हुई है दोस्तों। ये VCC है 3.3 वोल्ट, इस तरह दोस्तों है। इसमें VCC Q2 है दोस्तों, और इसमें देखें ये इसमें जो है 1.8 वोल्ट है। और दोस्तों VCC Q जो है दोस्तों, इसमें 1.2 वोल्ट है दोस्तों, और ग्राउंड है इस तरह दोस्तों, और CLK है, N है, RSTN हो गया, RX हो गया दोस्तों, इस तरह के RXP हो गया, TXP, TXN दोस्तों, इस तरह के ये जंपर लगाने पड़ते हैं दोस्तों हमें, और जाके हमारा जो है सेट कनेक्ट होता है इसके UFS जो नई चिप है दोस्तों। दोस्तों इसमें डिटेल से थोड़ा आपको बता दूँ दोस्तों, ये देखें इसमें ये UFS कन्फिगरेशन है। यहाँ पर दोस्तों हम चेक लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो है इसकी पार्टीशनिंग है, ये जो है कन्फिगरेशन, इसकी पार्टीशनिंग वगैरह है इधर दोस्तों। लोन 0 से लोन 7 तक दोस्तों इसमें है, यहाँ पर भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी है। तो दोस्तों इसके बाद जो है आप अगर आपने ISP पे नोट लगा हुआ है दोस्तों, तो फिर आपने इसको रेडिफाई कर देना है, यहाँ पर डिटेल चुकेगी दोस्तों। हम दोस्तों इसको चेक को हटा देते हैं। तो दोस्तों इसमें ये देखिए दोस्तों, ये फैक्ट्री इमेज है इसका। यहाँ पर दोस्तों आप ब्रांड इसकी जो है विंडोज की वो दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मीडियाटेक, क्वालकॉम, सैमसंग, LG दोस्तों इस तरह की है। और इसमें दोस्तों जो है देखें आप, ये मीडियाटेक है तो मीडियाटेक की स्कैटर फाइल आएगी, और क्वालकॉम होगा तो दोस्तों उसके जैसे हम EMMC में वर्क करते थे, काम करते थे दोस्तों, तो वैसी फाइल आपने सिलेक्ट करनी है। रापर वोराम 0 डॉट जो है XML जो है इसकी, और पैक 0 इसकी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल डाल जाती है दोस्तों। इस तरह दोस्तों इसमें सैमसंग में जाएँ तो सैमसंग में दोस्तों ऐसे ही है, पेट फाइल हम लगाएंगे दोस्तों, BL फाइल इसमें लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों LG के भी इसमें हैं, और काफ़ी सारे जो ब्रांड है इसमें हैं दोस्तों, तो आप इसमें से इसको रीड राइट ये देखें दोस्तों, इसमें है तो आप इसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम इसको जाएंगे अब हम, वैसे दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं एक फ़ोन वैसे है हमारे पास, तो उसकी फाइल हम इसको लगाते हैं क्वालकॉम की, थोड़ा आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारी फाइल जहाँ पड़ी हुई है हम उसको जो है इस पर लगा देंगे दोस्तों। ये देखें PC में जाएंगे, जहाँ पर हमारी फाइल PC में दोस्तों है सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर इस फोल्डर में हमारे पास फाइल है दोस्तों, ये OPPO A3S की। वैसे आपको दोस्तों चेक करा रहा हूँ, ये EMMC है जो इसका है, क्योंकि UFS सिर्फ आपको चेक करा रहा हूँ फाइल इसकी दोस्तों। फाइल ऐसे ही सिलेक्ट इसमें करते हैं दोस्तों, ये रा 0 है। तो दोस्तों इसमें जो है आप ये जो रा 0 हम इसको सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ पर भी आ जाएगी, ये यहाँ पर भी आ जाएगी दोस्तों। ये देखें जो रा प्रोग्राम है ये भी आ गया दोस्तों, ये इसकी डिटेल भी आ गई है। ये सिर्फ आपको चेक कराऊँ, फाइल तो दोस्तों इनकी एक जैसी होती है, बाकी UFS और इसमें फ़र्क है, बाकी फाइल फ्लैश फाइल इनकी एक ही होती है। ये देखें इस पर पैच फाइल पे हम लगाएंगे दोस्तों, तो पैच फाइल हमारी जहाँ पड़ी हुई है हम पैच फाइल को यहाँ लगा देंगे दोस्तों। इस
इसमें सेलेक्ट कर देंगे अभी बैच फाइल अभी आएगी दोस्तों, ये बैच जीरो है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, इसमें ओपन कर देंगे। यहाँ पर इसकी दोस्तों ये देखें टोटल फाइल जो है इसकी इसमें आ गई है दोस्तों, ये देखें इसमें फाइल वगैरह आ गई है। फिर इसको आप राइट करेंगे तो इस पर राइट हो जाएगी दोस्तों, ये फाइल ये डॉट कॉम है तो इसमें ये राइट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, और ये पावर मोड है इसका दोस्तों, तो ये ऑटो पे है और ये PWM है और इसमें HA है। इस तरह इसमें इसकी ये जो ऑटो सेटिंग भी पड़ी है, और इसमें आप मैं कह रहा था इसका सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये ऑटो पे है वैसे तो दोस्तों। अभी आपको मैंने बताया इसमें कि आप फाइल इसमें राइट कर सकते हैं दोस्तों, इसमें सपोर्ट भी होती है, जैसे हमारा UFS है, UFI बॉक्स है, उसमें भी ऐसे ही है दोस्तों। ये देखें इसमें ओप्पो के सेट हैं, और इसमें रियलमी के डम फाइल वगैरह है, और सैमसंग के इसमें हैं, देखें दोस्तों इसमें फाइलें वगैरह हैं जो UFS चिप में हैं, और Xiaomi के 3 मॉडल दोस्तों इसमें हैं। तो मैं इसको सॉफ्टवेयर पर लाता हूँ, सॉफ्टवेयर भी आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं जो इसके अपडेट आए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो दोस्तों मैंने जो आपको बताया है कि आप इसमें से रीड राइट कर सकते हैं दोस्तों, दोस्तों लोग कुछ कहते हैं कि ये वर्क नहीं करता, तो दोस्तों ये अच्छी है, जो इसका ग्रिप है इसकी अच्छी ग्रिप है, आप लें इसको, अच्छी ग्रिप है इसकी। अब दोस्तों मैं इसको आप तो, आपको क्या करूँगा, मैं इसके जो है आइडेंटिफाई करूँगा। देखें दोस्तों ये इसमें ये जो है ये वर्क हुआ है, जो इसमें ऐड है दोस्तों पावर मोड में, ये देखें ये इसमें ऐड हुआ है, यहाँ से ये पावर मोड और ये इसके आए हैं दोस्तों। ये इसकी जो है ये 32 GB का है दोस्तों, और इसमें ये बूट 1 बूट 2 ये नो जो लिखा हुआ है AB, ये इसके बूट है दोस्तों, जैसे हमारा बूट 1 2 है और बाकी ये बूट ये है दोस्तों। तो स्कार भी हम भी है दोस्तों, और इसमें ये देखें ये हमारा नॉर्मल मोड में है, और ये LG का हमारा दोस्तों इस पर UFS लगा हुआ है, तो इसको हम दोस्तों रीड भी राइट भी दोस्तों कर सकते हैं, और रीड भी ये देखें दोस्तों रेज भी होता है, वाइप भी है इसमें, और राइट रीड भी है और राइट भी आप कर सकते हैं दोस्तों इसमें, और इसकी हर त्रिकोण भी आप ले सकते हैं, और बूट जो सेट बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आप इसमें से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये टास्क है, इसमें दोस्तों आप इसको इसके फ्रेमवेयर को UFS जो है इसको अपडेट कर सकते हैं फ्रेमवेयर के साथ दोस्तों, जैसे हम EMMC को करते थे दोस्तों। इसमें ये रिसाइज जो है यूजर डाटा इसको भी आप कर सकते हैं, FRP भी जो है इसका वो भी हटा सकते हैं, फैक्ट्री सेट ओप्पो के जो मास्टर लॉक हैं मास्टर के वो भी आप इसके जो है हटा सकते हैं, वीवो के भी आप बगैर लॉस डाटा के आप इसको कर सकते हैं। फार्मेट डाटा इसमें दोस्तों है, इसमें आप इसमें से कर सकते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह जो वीडियो दूसरी होगी उसमें मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये कुछ दोस्तों ने कहा था कि ये जो है UFI बॉक्स पे प्रो जो है UFS प्रो काम नहीं करता दोस्तों, इसके मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको दिखाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, न्यू शहर मोबाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें नई वीडियो के साथ, और न्यू GSMSI चैनल हमारा उसको भी सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह, नई वीडियो में मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।